औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनातिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसी अल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ولا تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि सूरह मुबारक अहज़ाब जो कुरान मजीद का 33 नंबर सूरह है उसकी 4 आयात की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, जिनके निशानात हैं 36 था 39। आयत नंबर 36 का तर्जुमा यह है, और किसी मोमिन और मोमिना को यह हक नहीं पहुँचता कि जब अल्लाह उसके रसूल किसी मामले में फ़ैसला करें तो उन्हें अपने मामले का इख्तियार हासिल रहे, और जिसने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वो सरीह गुमराही में मुब्तला हो गया। ईमान बिल्लाह व बिरसूल का मतलब यही है कि अमर नहीं का हक़ सिर्फ अल्लाह ही को हासिल है, और मोमिन उसे सिद्क़ दिल से तस्लीम करे। ये बात माकूल नहीं है कि अल्लाह के फ़ैसले के मुकाबले में किसी को अपना फ़ैसला सादे करने का इख्तियार हो, ख्वाह वो मोमिन या मोमिना ही क्यों ना हो। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ फतवा देने को इज्तिहादी इख्तिलाफ करार देना और ये कहना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मुज्तहिद हैं, नीज़ नस से सही के मुकाबले में इज्तिहाद करना इस आयत के रूप से ज़लाल मुबीन है। जब अल्लाह कोई फ़ैसला करे, अल्लाह का तशरीही फ़ैसला मुराद हो सकता है कि किसी मामले में अल्लाह का कोई फ़ैसला अपने रसूल के ज़रिए बंदों तक पहुँच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला अल्लाह के फ़ैसले के ताबे है। अल्लाह ने अपने रसूल को हाकिमियत का हक़ दिया है, इस हक़ की बुनियाद पर रसूल कोई फ़ैसला सादर फरमाते हैं तो कोई मोमिन या मोमिना को उस फैसले के ख़िलाफ़ अपना इख्तियार इस्तेमाल करने का हक़ हासिल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने किसी मोमिन को ऐसा इख्तियार नहीं सौंपा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपना इख्तियार इस्तेमाल करना अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत और ज़लाल मुबीन है। मौलाना मौदूदी तफ़हीमुल क़ुरान में लिखते हैं, जिसे मुसलमान रहना हो उसको लाजमन हुक्म खुदा व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे झुकना होगा, और जिसे न झुकना हो उसकी सीधी तरह मानना पड़ेगा, वो मुसलमान नहीं है। न मानेगा तो चाहे अपने मुसलमान होने का वो कितना ही ढोल पीटे, खुदा व खल्क़ खुदा दोनों की निगाह में वो मुनाफिकी करार पाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला अल्लाह का फ़ैसला है, इसे मुस्तरद करना ज़लाल मुबीन है। और अल्लाह का फ़ैसला कुरान और सुन्नत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला सुन्नत से मालूम होता है। अल्लाह के फ़ैसले के मुकाबले में अपना फ़ैसला लाने वाला मुसलमान ही नहीं है। आयत नंबर 37 का तर्जुमा यह है, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करें वो वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने और आपने एहसान किया था कह गए थे अपनी ज़ौजा को न छोड़ो और अल्लाह से डरो, और वो बात आप अपने दिल में छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह जाहिर करना चाहता है, और आप लोगों से डर रहे थे। हालांकि अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि आप उससे डरें। फिर जब जैद ने उस खातून से अपनी हाजत पूरी कर ली तो हमने उस खातून का निकाह आपसे कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों से शादी करने के बारे में कोई हर्ज ना रहे, जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों और अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर ही रहेगा। वतरन किसी चीज़ की इंतहाई ख्वाहिश और अहम ज़रूरत के मानू में है। यह आयात जैद बिन हारसा की हज़रत ज़ैनब बिन जहश की साथ निकाह के सिलसिले में नाजिल हुई। जैद बिन हारसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे और हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी अमीमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थीं। समाजी एतबार से यह रिश्ता नहायत नामनासिब समझा जाता था। जब जैद के साथ ज़ैनब के निकाह का पैगाम दिया गया तो ख़ुद हज़रत ज़ैनब और उनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश ने उसे नापसंद किया। बाद में जब मालूम हुआ कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है तो सब ख़ानदान वालों ने उस रिश्ते को कबूल किया, लेकिन यह रिश्ता कामयाब ना रह सका। हज़रत ज़ैनब ने यह एहसास जो उनके दिल में था कि वो कुरैश के शरीफ तरीन ख़ानदान की बेटी है और जैद एक आज़ाद करदा ग़ुलाम है, दिल से नहीं निकाला। चुनांचे 1 साल और कुछ महीनों बाद तलाक की नौबत आ गई। जैद पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का वाक़या कुछ इस तरह है कि जैद हारिसा बिन शराहील का बेटा था। उनकी माँ एक बार उन्हें अपने मैके लेकर गई, वह उन पर हमला होता है और लूटमार में चंद आदमियों को वो पकड़ कर ले जाते हैं। उनमें हज़रत जैद भी थे। उनकी उम्र उस वक्त 8 साल थी कि जैद को उन लोगों ने हबाशा के बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। और हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के भतीजे हकीम बिन हुज़ाम ने उसे ख़रीदा और उन्होंने उसे अपनी पुप्पी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में पेश किया। जब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़्द हुआ तो जैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में आ गया। अब जैद 15 साल का हो गया था। जब उनके वालिद और चचा को पता चला कि जैद मक्के में है तो वो उनकी तलाश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए और फ़िदिये के एवज़ बच्चा उनके हवाले करने को कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ुद जैद की मर्ज़ी पर छोड़ता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो फ़िदिया नहीं लूँगा। जैद को बुलाया तो जैद ने अपने वालिद के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद को आज़ाद कर दिया और उसे अपना बेटा बना लिया। यह उस वक्त का वाक़या है कि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस नहीं हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस बरिसालत हुए तो जैद साबिक़ीन में से थे। हिजरत के 4थे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका अक़्द अपनी फूफी ज़ात बहन हज़रत ज़ैनब से कर दिया, जिस पर अल्लाह और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान किया था। इससे आप कह रहे थे कि अपनी बीवी को न छोड़ो और अल्लाह से डरो। ये उस वक्त का जिक्र है जब जैद और ज़ैनब के ताल्लुक़ात इंतहाई ख़राब हो गए और जैद तलाक़ देने पर आमादा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह ज़ाहिर करने वाला है। मजमूल बयान में आया है कि जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपाना चाहते थे वो ये थी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही बताया था कि हज़रत ज़ैनब को तलाक़ होने वाली है और ज़ैनब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ जाएगी। इसके बावजूद जब जैद आया और आपसे कहा कि मैं ज़ैनब को तलाक़ देना चाहता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी बीवी को न छोड़ और अल्लाह से डर। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया आपने ये क्यों कहा अपनी बीवी को न छोड़ो, हालांकि मैंने आपको बतला दिया था कि ज़ैनब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में शामिल होने वाली है। तफ़सीर मजमुल बयान में है कि ये बात हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल दायरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह अपने इल्म का इजहार नहीं कर सकते थे, बल्कि मुसालिहाना नसीहत के तौर पर फरमा रहे थे कि अपनी बीवी को ना छोड़ो। ये कोई हुक्म तशरीई न था कि ज़ैद पर उसकी तामील वाजिब हो जाती, और आप लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह ज़्यादा हक़दार है कि आप उससे डरें। ज़ैनब को अपने अज़वाज में शामिल करने की बात के ज़ाहिर होने की सूरत में लोगों की चिमगोइयाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा थे। यह खौफ अगरचे लोगों से था, ताहम इस खौफ का ताल्लुक़ सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात से न था, बल्कि खौफ मूसा अलैहिस्सलाम फ़औजसा फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तु मूसा। सूरह ताहा कुरान मजीद का 20वां सूरह है, उसकी आयत नंबर 67 में इरशाद हुआ जो कुछ इस तरह था कि मुनाफिक़ीन इस बात को अछालेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू के साथ शादी की है, जबकि ख़ुद कुरान में हराम औरतों में व हलाइल व अबनाइकुम सूरह निसा की आयत नंबर 23 में इरशाद हुआ कि बहू भी शामिल है। इससे कमज़ोर ईमान वाले शकूक में मुब्तला हो सकते हैं। ये था खौफ फिद्दीन आन तरीक़ नास। अल्लाह शायद फरमाता है खुद खुदा से खौफ करे, दीन खुदा के बारे में लोगों से खौफ ना करें। ये बिल्कुल इसी तरह है कि ऐलान विलायत में भी लोगों से जो खौफ लाभ था इस बारे में फरमाया वल्लाहो याअसिमुका मिनन्नास। सूरह माइदा कुरान मजीद का 5वां सूरह है, इसकी आयत नंबर 67 में इरशाद हुआ। लिहाजा वो रिवायात दुरुस्त नहीं है और मकाम रिसालत पर एक नाज़िबा बहतान है जो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिफाक़न ज़ैनब को देखा तो उनके हुस्न पर फरिश्ता हो गए। माज़ल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को दिल में छुपाए हुए थे। ये रिवायत किज़्ब व इफ्तिरा है, इसलिए कि हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की एक फ़र्द हैं। ज़ैनब का हुस्न जमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पोशीदा न था। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद के लिए रिश्ता मांगा है। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ज़ैद से शादी होने से पहले उन्हें अपनी ज़ौजियत में ला सकते थे। हकीकत आमर यह है कि यह अल्लाह का हुक्म था कि ज़ैनब को तलाक़ होने की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब को अपनी ज़ौजियत में ले आएँ और दौरे जाहिलियत की रस्म का ख़ात्मा कर दें। एक तो मुँह बोले बेटा बेटा नहीं होता, सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक आज़ाद करदा ग़ुलाम की तरफ से तलाक़ याफ्ता औरत से निकाह करने में कोई हरज नहीं है। किसी की अज़मत और ख़ानदानी शराफत पर उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता। इस्लाम अपनी इस्लामी कदरों का लिहाज रखता है, जाहिली कदरदानों का नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाती ख्वाहिश नहीं छुपा रहे थे। हुक्म खुदा की तामील में समाजी मुश्किलात पेश आ रही थीं। ज़ैनब के साथ निकाह करना अल्लाह का हुक्म था, इस पर वकान अम्रुल्लाह मफ़ूला, अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहेगा, दलील है। नीज़ अगली आयत में फ़ीमा फ़रज़ल्लाहु लहू, अल्लाह ने उनके लिए मुक़र्रर किया है, भी दलील है कि इस निकाह को अंजाम देने का अल्लाह की तरफ से हुक्म था। फलम्मा क़ज़ा ज़ैद मिन्हा वतरन ज़व्वजना कहा, यानी जब ज़ैद ने उस खातून से अपनी हाजत पूरी कर दी, ज़ैद उस औरत से पूरी तरह फारिग हो गए और उसमें किसी किस्म की ख्वाहिश बाकी न रही। तो अगर कोई ख्वाहिश बाकी होती तो इद्दत के दौरान उसका इजहार हो सकता था और रुजू कर सकते थे, वो भी ना हुआ। तो ज़व्वजना कहा, हमने उस खातून का निकाह आपसे कर दिया। इस तजवीजी अमल को अल्लाह ने बग़ैर रास्त अपनी तरफ नस्बत देकर ये बात और वाज़े फरमा दी कि यह काम खालिसतन अल्लाह की तरफ से अंजाम पाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ख्वाहिश का कोई दखल न था। लिकई ला यकून अलल मुमिनीन हरज, ताकि मोमिनों पर अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों से शादी करने में कोई मुज़ायक़ा ना रहे। इस्लामी कानून में मुँह बोला बेटा बेटी नहीं होता, और इस औरत को माँ कह दे वो माँ नहीं होती। इस कानून पर बहुत से अहकाम मुतरत्तिब होते हैं। वकान अम्रुल्लाह मफ़ूला, यानी अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहेगा। ये अज़दवाज भी अल्लाह की तरफ से एक हुक्म था, वो नाफिज होकर रहा। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर अमल करने में समाजी दुश्वारियाँ ज़्यादा थीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म गालिब आया और नाफिज हो गया। ज़न और शौहर की नाचाकी की सूरत में तलाक़ का मशवरा नहीं देना चाहिए। हुक्म इलाही के नफाज के लिए माशरती रुकावटों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आयत नंबर 38 का तर्जुमा यह है कि नबी के लिए इस अमल के अंजाम देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है जो अल्लाह ने उनके लिए मुक़र्रर किया है। जो अंबिया अलैहिस्सलाम पहले गुजर चुके हैं उनके लिए भी अल्लाह की सुन्नत यही गई है, और अल्लाह का हुक्म हकीकी अंदाज से तयशुदा होता है। फ़र्ज़ तयीन और हिस्सा मुक़र्रर करने के मानों में है। इसका मतलब मुबाह करना है, यानी जो चीज़ अल्लाह ने अपने नबी के लिए मुबाह की है उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उनकी भी मुतअद्दिद अज़वाज मौजूद थीं। अल्लाह ताला जब कोई हुक्म अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ फरमाता है तो उस फ़र्ज़ को अंजाम देने में कोई हरज नहीं है। ये नफ़ी हरज तकवीनी हो सकता है, यानी अल्लाह उसमें कोई हरज नहीं आने देगा। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो दुश्वारियाँ आती रहीं उन्हें वो दूर कर देगा। सुन्नत अल्लाह फिल्लज़ीन खलौ, यानी गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम में भी अल्लाह ताला का तरीक़ा अमल यही रहा है। ये सुन्नत इलाही क्या थी? मुमकिन है अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह की इस रविश की तरफ इशारा हो कि जब भी अहकाम इलाही की तामील में कोई दुश्वारी पेश आई तो अल्लाह ने उसे दूर फरमा दिया। यही मुराद हो कि गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलाम भी इस कस्म के मरासिम तोड़ने के लिए मबूस हुए हैं। यही मुराद हो कि अंबिया अलैहिस्सलाम की यह रविश है कि तबलीग के सिलसिले में गैरुल्लाह का खौफ नहीं करते, जिसकी तरफ अगली आयत इशारा कर रही है। और इस आयत में ही जो है कि वकान अम्रुल्लाह क़दरम मक़दूरा, तो उमूर खुदा गैर मुनज़्ज़म नहीं होते, बल्कि अम्र खुदा एक तयशुदा ज़ाब्ते के तहत होता है। क़दर यानी तयशुदा, मक़दूरा उसकी ताक़ीद है जिसे ज़िल्लन ज़लीला कहते हैं। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को कोई ऐसा हुक्म दे जो काबिल अमल ना हो या उस पर अमल करने से मफासिद लाजिम आते हों, जैसा कि एक ज़ाहिर बीन इंसान समझता है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने जाहिली मरासिम का मुकाबला किया है। अहकाम इलाही एक ज़ाब्ते के मुताबिक होते हैं। आयत नंबर 39 का तर्जुमा यह है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगामात पहुँचाते हैं और उसी से डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, और मुहासबे के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जो अल्लाह के पैगामात की तबलीग करते हैं उनके दिलों में सिर्फ खौफ खुदा होता है, गैरुल्लाह का खौफ उनके दिलों में नहीं होता। तबलीग रिसालत के सिलसिले में खौफ तबलीग न करने की सूरत में पेश आता है, और दूसरा खौफ तबलीग करने की सूरत में पेश आता है। तबलीग न करने की सूरत में का खौफ है, और तबलीग करने की सूरत में लोगों का खौफ है। अंबिया अलैहिस्सलाम इन दोनों खौफों में खौफ खुदा को मुक़द्दम रखते हैं, और लोगों से जो खौफ लाहक होता है उसे इतना में नहीं लाते। खुलासा यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम तबलीग रिसालत के सिलसिले में सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि वो गैरुल्लाह से किसी सूरत में नहीं डरते। बाद हालात में खौफ लाहक होना कुदरती बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अजदह से खौफ लाहिक हो गया था। यह खौफ अल्लाह के खौफ के मुकाबले में नहीं था, बल्कि एक कुदरती खौफ था। और आयत ने आखिर में कहा कि वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, अल्लाह का मुहासिबा यकीनन बड़ा दक़ीक़ मुहासिबा होगा, जिसमें किसी किस्म के सहव और निस्यान का इम्कान नहीं है। लिहाजा इसी ही का खौफ दिल में होना चाहिए। तबलीग के लिए शुजाअत और सब्र दरकार होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।